सो वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको रायस्टार की कुछ फेक मूवमेंट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। रायस्टार की जिगजैग मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा और उसे कैसे करना है इसके बारे में भी आपको पता होगा, बट इसके अलावा रायस्टार एक और मूवमेंट करता है जिसमें कि वो एक ही जगह पे 360 पूरा गोल गोल घूम जाता है। तो मैं आपको रायस्टार की दो फेक मूवमेंट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिगजैग मूवमेंट आपने कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हर किसी को पता होगा बट कहां पे करना है इसके बारे में पता नहीं होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने 360 डिग्री राउंड मूवमेंट कैसे करना है और मैं आपको इसका हैंड कैम भी दिखाने वाला हूं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिगजैग मूवमेंट की बात करते हैं तो जिगजैग मूवमेंट का दो ही जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहले अपने एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए और दूसरा अपने कैमरा एंगल को चेंज करने के लिए। बट रायस्टार इस ट्रिक को काफी ज्यादा परफेक्टली यूज करता है, तो आपने इसे रायस्टार की तरह यूज कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। रायस्टार इस ट्रिक का यूज करके काफी ज्यादा मस्त हेडशॉट भी मारता है और उसका गेम प्ले देखने भी काफी ज्यादा मस्त लगता है। तो आपने भी जिगजैग इस तरीके से करना है कि आप अपने एनिमी को इजीली वन टैप हेडशॉट भी मार पाओ और उसके बाद आपकी मूवमेंट देखने में भी अच्छी लगे। तो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो जब आप अपने एनिमी के पास जाओ, आपने सबसे पहले जिगजैग मूवमेंट करना है जिससे कि आपका एनिमी आपके ऊपर शॉट कनेक्ट ना कर पाए। उसके बाद आपने जंप करना है। जंप करने के बाद अपने एनिमी को वन टैप मारना है। अगर वन टैप लग गया तो आपने वन टैप मारने के बाद फिर से जिगजैग मूवमेंट करना है। दो ही जगह पे जिगजैग मूवमेंट करना है, एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारने के पहले और एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारने के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रायस्टार इसे कैसे करता है। अभी आप राई भाई की इस वाली क्लिप को देखो। यहां पे सबसे पहले जिगजैग करके जंप किया, एनिमी को वन टैप मारने का ट्राई किया, नहीं लगा, फिर से जिगजैग करके वन टैप मार दिया और वन टैप मारने के बाद फिर से जिगजैग। सबसे पहले जिगजैग इसलिए करना है कि आपका एनिमी आपके ऊपर शॉट कनेक्ट ना कर पाए, और अगर आपका शॉट भी कनेक्ट ना हो तो आपने फिर से जिगजैग करके जंप करना है। और जब आप जिगजैग करके जंप करोगे तो एनिमी को पता नहीं लगेगा कि आप किस साइड को जंप करने वाले। और आपने वन टैप मारने के बाद वेपन स्विच करना है, ग्लू वॉर नहीं लगाना है, और आपने वेपन स्विच करने के बाद फिर से जिगजैग मूवमेंट करनी है। इससे आपका गेम प्ले देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे। और गाइस जब आप इस स्टेप को अच्छे से करना सीख जाओगे, जिगजैग प्लस जंप उसके बाद वेपन स्विच, तो आप किसी भी एनिमी को इजीली हरा सकते हो। अभी गाइस आप इस चीज का एग्जांपल देखो कि आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने एनिमी के ऊपर फायर किया, फायर करने के बाद मैंने ग्लू वॉल लगाया। अब जब मैं ग्लू वॉल से बाहर निकलूंगा, अगर सामने वाला एनिमी ग्लू वॉल ना लगाए और वेपन स्विच कर ले तो वो मुझे यहाँ पे इजीली टारगेट कर सकता है और इजीली वन टैप भी मार सकता है। इस वाले स्टेप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके भी आऊंगा। और जब आपने जिगजैग करके जंप करना है तो आपने ये ट्राई करना है कि जो आपका एनिमी है वो आपकी राइट साइड वाली फ्रेम में आए। अभी गाइस मैं आपको बताता हूं कि आप रायस्टार की तरह राउंड मूवमेंट कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये उतना परफेक्टली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है इसका रीजन भी बताऊंगा। रायस्टार अपनी वीडियोस में क्या करता है कि बीच बीच में वो एक ही जगह पे पूरा 360 घूम जाता है और उसे देखने के बाद काफी सारे बंदे हैरान हो जाते। तो इसे करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बता देता हूं। आपने अपनी स्क्रीन को यहां से पकड़ के यहां तक ड्रैग करना है, उसके बाद यहां से पकड़ के यहां तक, मतलब कि छोड़ना नहीं है, और जिगजैग की तरह अपने पूरी स्क्रीन को जिगजैग 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 करना है और इस टाइम पे आपका कैरेक्टर पूरा गोल गोल घूम जाए। अभी मेरा ये मूवमेंट उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे मेनली दो रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है सेंसिटिविटी। मेरे फोन की सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, बट अगर मैं डीपीए लगा के ये मूवमेंट करता तो ये काफी ज्यादा अच्छी लगनी थी। और दूसरा रीजन है कि मैंने इसे अपने रिप्ले से रिकॉर्ड किया है। अगर मैं इसे कस्टम में जाके ऑब्जर्व से रिकॉर्ड करता और ऑब्जर्व में दो तीन बंदे और ऐड कर लेता तो इससे ये देखने में और ज्यादा लैग लगना था। बट जो मेन रीजन है जिससे कि ये परफेक्टली नहीं हुआ है वो है सेंसिटिविटी। अभी मैं आपको हैंड कैम दिखा देता हूं कि आपने इसे कैसे करना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी स्क्रीन को राइट साइड से पकड़ के पूरा लेफ्ट साइड तक जिगजैग करना है, और आप जितना ज्यादा फास्ट करोगे देखने में उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके फोन का सेंसिटिविटी अच्छा रहेगा फिर तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसे अच्छे से करना चाहते हो तो आप डीपीए भी लगा सकते हो। जब आप डीपीए लगा के करोगे तब आपकी मूवमेंट देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप ऐसा ही करते रहोगे थोड़ी देर के लिए तो आपका कैरेक्टर एक ही जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा। और अगर आप एक ही बार करोगे, मतलब कि एक बार यहाँ को एक बार इधर को, फिर आपका कैरेक्टर एक राउंड पूरा मारेगा जो कि देखने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। और रायस्टार की सबसे ज्यादा फेमस ट्रिक यही है, और इसको लेके काफी सारे प्लेयर्स कंफ्यूज थे कि रायस्टार इसको कैसे करता है। तो कस्टम में आप इसे कर सकते हो, और जब आप एनिमी के सामने ये करोगे तो एनिमी के सामने आपका कैरेक्टर पूरा ऐसे गोल घूम जाएगा और एनिमी भी देख के थोड़ा सा शॉक हो सकता है। और कुछ प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि हम फ्री लुक वाले ऑप्शन से, जो थर्ड आई वाला ऑप्शन है हमारी गेम में, कि उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसके साथ ट्राई करोगे तो उससे आपका सिर्फ स्क्रीन ही 360 घूमेगा, आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो सिंपल सी ट्रिक है बट काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, तो आप इसे अपने गेम प्ले में जरूर से ऐड करना, आपका गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसे और ज्यादा परफेक्टली करने के लिए आप डीपीए का यूज कर सकते हो, उससे और ज्यादा ये देखने में अच्छा लगेगा। तो बस फिर गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।